हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सौम्यनाथ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें पल पल का जो यूजीसी का अगेंस्ट में जो केस हुआ है उसका डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, लाइव अपडेट आप लोगों को। तो देखिए, ये सेकेंड पार्ट है और इसमें दिया गया हुआ है SC6 UGC रेस्पॉन्स टू प्ली अगेंस्ट डायरेक्शन टू होल्ड फाइनल ईयर एग्जाम्स 22 सितंबर 30 टू हियर पिटिशंस ऑन July 31st। इसका मतलब सिंपली यही है कि UGC को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाउ टू होल्ड द फाइनल एग्जामिनेशन जो है उसके जो चलते हैं 30 सितंबर के अंदर, यानी कि 30 तारीख के अंदर उसको सबमिट करना है, उसका रिस्पॉन्स जो उन लोगों का है। एंड ये जो पिटीशन है, ये पिटीशन 31 जुलाई को फिर से इसका सुनानी होगा। देखिए, ये 27 जुलाई 1:57 पर जो हुआ था, और इसमें क्या आ रहा है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एडजर्न टिल फ्राइडे July 31st द हियरिंग इन द पिटीशन चैलेंजिंग द UGC गाइडलाइंस व्हिच मेड इट मैंडेटरी फॉर यूनिवर्सिटीज टू कंडक्ट देयर फाइनल ईयर एग्जाम्स बाय September 30। और बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी एंड BR गवाई डायरेक्टेड द सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टू फाइल अ कॉमन रिप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यानी कि ये तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, जो UGC की तरफ से लड़ रहे हैं ये पिटीशन, एंड बाय 29 जुलाई उन लोगों को सबमिट करना है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कहा गया है इसमें। द पिटिशनर्स आर एट लिबर्टी टू फाइल देयर रिजॉइंडर टू द रिप्लाई ऑन July 30। इसका मतलब है कि जब भी ये तुषार मेहता जी जो सबमिट करेंगे, तो पिटिशनर्स जो हैं उन लोगों को पूरा लिबर्टी है कि ये जो पिटिशन UGC अगर उसका दलील जो रखता है उसके खिलाफ, ये पिटिशनर्स जो जो चार वाला जो केस है, ये चार वाला केस उसमें अपना जो रीपिटिशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। और फोर्थ वाला जो पिटिशन वेर लिस्टेड बिफोर द टॉप कोर्ट टुडे सीकिंग क्वाशिंग ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड July 6 बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सब्सिक्वेंट UGC गाइडलाइंस मैंडेटिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बाय September 30। द फोर पिटिशंस इंक्लूडिंग 31 स्टूडेंट्स, ये तो सब आपको मालूम ही है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसके चलते पिटिशनर्स लाइक थैकरी ऑफ जुबर सेना हैड डिमांडेड द UGC टू अलाउ इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट टू पास द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स पास्ट परफॉर्मेंस। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM संघवी अपियरिंग फॉर दुबे सबमिटेड दैट द UGC गाइडलाइंस आर हार्श एंड अनवर्केबल। जो ये डॉक्टर सिंघवी है, उसने साफ साफ कह दिया है कोर्ट पे कि UGC का जो गाइडलाइंस है ये बहुत ही हार्श है एंड प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि इम्प्रैक्टिकल है और ये काम नहीं करने वाला। मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्टेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक ही सबमिटेड। तो ये जो सारा दलील है उन्होंने सबमिट कर दिया है, और सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता अपियरिंग फॉर UGC सबमिटेड दैट आउट ऑफ 818 universities in India, 394 are in the process of completing exams and 209 have already finished with exams and 35 had not reached final year. Advocate Alok Shah Srivastava appearing for 31 students urged the court to stay the guidelines by highlighting that more than 50,000 cases of COVID-19 were reported recently on a single day. तो ये जो दलील दिया जा रहा है एग्जाम के खिलाफ बहुत ही सलीड है, और इसका अगर हम जेनेसिस निकालें तो जेनेसिस ऑफ ऑल पिटीशन सॉट कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अमिड कोरोना वायरस। नाउ फोर्सिंग सच स्टूडेंट्स टू अपेयर इन द फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑन 30th 9 2020 इज फ्लैग्रेंटली वायलेटिव ऑफ द ऑफ द राइट टू लाइफ
एंट्रेंड विद इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे हैव सबमिटेड, यानी कि ये जो आर्टिकल 21 है इसमें जो जीने दो ये जो गाइडलाइन है यानी कि राइट टू लाइफ इसको वायलेट करता है ये यूजीसी का जो मैंडेट है। तो ये मैंडेट अगर चालू रहा, यूजीसी अगर ऐसे ही चलते रहे तो राइट टू लाइफ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है उसको उसका समझ लेंगे उसका समाप्त हो गया। तो अर्लियर जुलाई 7 यूजीसी हैज सेड द एंड टर्म एग्जामिनेशन फॉर ऑल फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स वुड हैव to be mandatorily held by the end of the September 2020, online, offline, blended, whatever. The petitioner, including a COVID-positive student, have pointed out that there are many final year students who themselves or their family members are COVID-positive. ये बहुत important दलील है। तो other grievances raised by the petitioners, including decision to conduct final year examination was taken by the respondents in utterly arbitrary and whimsical manner, even without consulting other stakeholders like doctors, teachers, students, universities and colleges, etc. And thus the entire genesis of the said decision is erroneous and misplaced. सेकेंडली इसमें कहा गया है द रिस्पॉन्डेंट्स हैव इग्नोर्ड द प्लाइट ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू बिहार आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स व्हिच आर प्रेजेंटली विटनेसिंग इंसेसेंट फ्लड। देयर तीनों नंबर जो कहा गया है देयर इज नो फ्री मूवमेंट ऑफ रेलवेज एंड ओनली अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स आर ऑपरेटिंग इन सच अ सिचुएशन अ स्टूडेंट हु हैज टू ट्रैवल who has to travel to his or her examination center through public transport will have to face immensely difficult lot of difficulties in getting rented PG as well as rented PG as well as PG accommodation across India as landlords are unwilling to give such accommodations nowadays due to COVID-19 outbreak. 5 jo kaha gaya hai, parents of the affected students are facing utmost financial distress due to reduced financial opportunities amid COVID-19 crisis. In such a situation, further burdening them with the cost of transportation, accommodation and medical treatment of their wards for appearing in the captioned examination is utterly unjust, unfair and unwarranted. तो यही था आज का जो आप देख सकते हैं जो, तो मैंने पूरा खुलासा कर दिया कोर्ट केस में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या दलीलें पेश किया है। तो अभी को ये केस सब जूडिस है, कुछ कहना मेरे तरफ से लाजमी नहीं है, लेकिन मैं भगवान अल्लाह ताला ता और जितने भी सारे गॉड हैं सभी से प्रे करूंगा कि ये केस स्टूडेंट्स ज़रूर जीते। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच।